मैं एक्चुअली माइंड में तो अपने माइंड में पीस चाहता हूँ ईशानी के साथ, पर वो हो नहीं पाता है। हमेशा कुछ ना कुछ वो मेरी ज़िंदगी में तूफ़ान लेकर आ जाती है। तो यहाँ पर भी लॉयर जो है वो मुझ पर आँख रखे हुए है कि मुझे ईशानी के साथ अच्छे से बिहेव करना ही है, अदरवाइज़ मुझे कोर्ट में जवाब देना पड़ सकता है बिकॉज ईशानी के साथ ऐसा कुछ हादसा हुआ है। तो मुझे उसके साथ अच्छे से बिहेव करना पड़ेगा, प्यार से रहना पड़ेगा। और यहाँ पे एक ऐसे कपल की ज़रूरत होती है जहाँ पे जिसने व्रत रखा हो सुबह से, और मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया होता है, तो पंडित जी बोलते हैं हम दोनों को स्थान ग्रहण करने के लिए, और इतने में हमें बोलते हैं कि यू नो सिंदूर लगाओ, मंगलसूत्र पहनाओ। तो वो ईशानी ने वो सब नहीं पहना होता है, तो उनका एक रूल होता है कि अगर मंगलसूत्र तो तुम उतार सकते हो लेकिन जो पहनाएगा वो तुम्हारा पति ही पहनाएगा। सो देखा जाए तो इतने टाइम से जो हम लोग अपार्ट थे मैं और ईशानी, वो कहीं ना कहीं इस मोमेंट की वजह से वापस थोड़े करीब आते हैं। ये बोला जाए कितनी भारतीय रस्में और हिंदू रस्में इस दौरान आपको समझ में आ गई, वो बताइए। मैं तो हर वक्त कोई नई रस्म देखता हूँ हमारे शो में, भले हमारा शो गुजराती है पर कोई ना कोई तो नई रस्में आती रहती हैं और एवरी डे कुछ नया सीखने को मिलता है। हमारे यहाँ पे बहुत शादियाँ होती हैं और घड़ी घड़ी भी होती है। ईशानी ने लॉयर को एकदम से झाड़ दिया है कि मेरे पति को के वो ऐसे ब्लेम ना करो इस चीज़ के, वो आर्मी को अंदर से कैसे फील करा रही है ईशानी, इसका साइड में अच्छा भी लग रहा है, एट द सेम टाइम गुस्सा भी आ रहा है कि मैं कहाँ फंस गया हूँ और मैंने रितिका से जो वादे किए थे मैं उसे निभा नहीं पा रहा हूँ। बट क्या बोलते हैं, लेकिन ईशानी जो स्टैंड लेती है ही इज लाइकिंग इट बट ही इज कंट्रोलिंग हिज इमोशंस। और डेफिनेटली जो ईशानी बीच में आ रही है मेरे और रितिका के बीच में, उसकी वजह से मेरे और रितिका के बीच में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं और हर वक्त मैं उसे मनाता रहता हूँ। और लेकिन रितिका जैसे कि आपको पता है खुद भी शातिर इंसान है, तो वो भी अपने दिमाग में कुछ ना कुछ गेम प्लान लेकर बैठी हुई है जिससे वो ईशानी का पत्ता साफ करना चाहती है। आपको कुछ टिप्स देनी है राधिका को? मुझे उसको टिप्स देने की कोई जरूरत नहीं है और आई एम श्योर शी विल परफॉर्म वेरी वेल। वही मैंने कहा कि माय बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विद हर और उसमें बहुत पोटेंशियल है एंड आई एम श्योर शी विल डू वेल। हाँ उसी के फोन से 10,000 वोट कर मैं क्यों पैसे लगाती हूँ।